वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ मुगलाई पराठा, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए आइए सीख लेते हैं कैसे बनाते हैं ये रेसिपी। मुगलाई पराठा बनाने के लिए हम पहले एक बोल में ले लेंगे मैदा और थोड़ा सा हम उसमें तेल डाल देंगे। जितना कि मयम के लिए लगता है उतना तेल हम इसमें डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना काफ़ी है। और नमक ऐड कर देंगे अब इसमें, थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसको गूंद लेना है। इसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं गूंदना है और हार्ड भी नहीं गूंदना है बहुत ज़्यादा। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाइए और इसे मिक्स करते जाइए। ये देखिए मैदा हमारा गूंद चुका है यहाँ पे। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको थोड़ी देर और मसल लेंगे और फिर इसको हम थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे ढककर। स्टफिंग के लिए हमने चिकन को मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था और यहाँ पे प्याज टमाटर अदरक लहसुन की पेस्ट बना ली है हमने। अब इस पेस्ट के अंदर हम जो है नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। आधी चम्मच हल्दी ली हमने और लाल मिर्च ऐड कर देंगे। लाल मिर्च हमने यहाँ 1 चम्मच ली है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इन सब को हम अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेंगे और कढ़ाई में हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे और चिकन को हमें थोड़ा अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है पहले। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद आप देखेंगे इसका कलर चेंज हो गया, वाइट वाइट सा हो गया, तब हम इसमें मसाले डाल देंगे। जो हमने पेस्ट तैयार किया था, देखिए फ्राई हो चुका है ये। अब इसमें हम जो मसाला हमने बनाया था वो ऐड कर देंगे। मसाला जो है आप क्वांटिटी के हिसाब से बना सकते हैं। अब इसको हमें इसी तरह चलाते हुए पकाना है जब तक मसाले अच्छी तरह से भुन जाए और ये एकदम सूख जाए। देखिए ये हो चुका है, मसाले हमारे भुन चुके हैं और ये भी ड्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम मैदे को चेक कर लेंगे, इसको थोड़ा सा और गूंद लेंगे हम। यहाँ पे हमने प्याज हरी मिर्च और धनिया चॉप करके रखा है। अब यहाँ पे हम एक अंडा ले लेंगे, अंडे को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे और इसमें सब मिक्स कर देंगे। इसको फेंटने के बाद नमक ऐड कर देंगे इसमें हम थोड़ा सा। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। हरी मिर्च काट के रखी है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और धनिया पत्ती जो है वो ऐड कर देंगे इसमें हम। और जो हमने चिकन बना के रखा है उसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। ये रेसिपी जो है काफ़ी टेस्टी बनती है। अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब मैदे को जो है हमें एक चपाती के साइज़ में बेल लेना है। इसको हमें काफ़ी फैलाना पड़ेगा, थोड़ी बड़ी साइज़ की बनानी होगी ये। आटा लगाकर आप इसको अच्छी तरह से पहले फैला लें कुछ इस तरह। मुगलाई पराठा जो है कलकत्ते में काफ़ी फेमस है स्ट्रीट फूड के तौर पे, ये काफ़ी खाया जाता है वहाँ पे। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहता है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। देखिए इस तरह हमें इसको खींच खींच के फैलाना है। अब इसके जो चारों कोने में है हमें पानी लगा देना है, चारों तरफ से हम पानी लगा देंगे इसको।
ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। अब जो है हम इसमें अंडा डाल देंगे और इसको फैला लेंगे अच्छी तरह से। अंडा मैंने यहाँ पे एक और यूज़ किया है क्योंकि वो जो अंडा था वो काफ़ी साइज़ में छोटा था, तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए। आपके अगर एक ही अंडे में हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ दो भी यूज़ कर सकते हैं आप। थोड़ा सा पतला होना चाहिए। अब हम इसको अच्छी तरह से पैक कर देंगे, थोड़ा पानी लगा के दबा दबा के साइड से। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। पैन में हमने ऑयल डाल दिया है, अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। पैन में फैला देंगे, जो मुड़ा हुआ साइड था वो नीचे की साइड रखेंगे, पहले वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और इसको थोड़ी धीमी आंच में हमें फ्राई करना होगा ताकि वो अंदर से अंडा जो है अच्छी तरह से पक जाए, एकदम से आंच को तेज ना करें। देखिए एक साइड से अच्छी तरह से हो गया ब्राउन, अब दूसरी साइड भी हम ऐसे ही इसे बना लेंगे। तैयार हो गई है हमारी मुगलाई, देखिए अब इसे कट कर लेंगे हम। काफ़ी गर्म है, हाथ भी नहीं लगाया जा रहा, तो इसको काट के मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसा बना है। आप इसको सॉस के साथ, चटनी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं, काफ़ी टेस्टी लगती है। ये देखिए पक चुका है अंदर से। तो तैयार है हमारी मुगलाई पराठा, आप भी बनाइए और खाइए। एंड बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।